और छोरो के हाल। तो आज हम लोग दोबारा खेलने वाले हैं बैड बॉयज, क्योंकि वेल भैया जैसा तुम सभी जानते हो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बाय की थी भैया डायमंड आर्मर स्किन, एंड वेल भैया उसके बाद अपन लोगों ने उसको ओवर कर दिया था गेम को वहीं पे, अपन ने कोई भी मैच खेला नहीं था राइट। हाँ, और तुम लोगों की मेरे को कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि ब्रादर एक बार गेम खेल के तो देख, नहीं तेरे पास जो आर्मर है ना उसमें भैया दिव्य शक्तियां हैं, एक बार उसको ट्राई करके तो देख। एंड वेल उसके अलावा भैया मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है जो इस आर्मर के साथ आज के एपिसोड में करने वाला हूँ। बट उससे पहले, तो क्या तुम लोग भी घर बैठे बैठे हो रहे हो बोर? तो खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। कैसे? Well, तुम्हें जस्ट सिंपली गूगल क्रोम पर सर्च करना है www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश। Well, स्किल क्लैश एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर तुम लोग गेम्स खेलकर रोजाना के 300-400 रुपए आराम से कमा सकते हो। एंड वेल सबसे यूनिक बात यह है कि इसके लिए तुम्हें कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम लोग कैरम, क्विज, क्रिकेट पूल, स्केप रन जैसे गेम खेलकर रोजाना के काफी सारे पैसे कमा सकते हो। एंड वेल जीते हुए पैसों को तुम आराम से UPI या फिर Amazon Pay के द्वारा अपने अकाउंट में डाल सकते हो। एंड भैया इतना ही नहीं, मैंने इसको पर्सनली भी काफी बार यूज करके फ्री GQ का टॉप अप भी किया है। एंड वेल तुम इसको अपने दोस्तों के बीच में रेफर करके एक्स्ट्रा कैश अर्न कर सकते हो, उनके बीच में टूर्नामेंट करवा सकते हो या फिर स्पेशल टूर्नामेंट में हेडफोन, मोबाइल, बाइक जैसे गिफ्ट जीत सकते हो। एंड वेल भैया इन सब चीजों के अलावा ये प्लेटफॉर्म काफी जल्दी है ना बहुत पॉपुलर हो चुका है। इस पर अभी तक भैया 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो वेल तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। देखो पहली बात तो ये कि भैया मुझे नहीं पता कि ये चीज कैसे काम करती है और क्यों काम करती है, एंड काम करती भी है या फिर नहीं करती, ठीक है? क्योंकि मेरे को तुम लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि ब्रादर जो तेरे पास डायमंड आर्मर की स्किन है ना उसके साथ ये इश्यू है कि अगर तू उसे पहन लेगा तो किसी भी बंदे का तेरे पे डैमेज नहीं होगा, या चाहे वो डायमंड सॉर्ड भी यूज कर लेगा ना तब भी तेरे को सिर्फ 1 HP का डैमेज मिलेगा। वेल ये चीज सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपन ये वाली चीज गॉड आर्मर के साथ ट्राई करें। वेल मेरे हिसाब से तब तो अपने को 0 HP का डैमेज मिलेगा राइट। हाँ, तो आज अपन वही कुछ करने वाले हैं, बट उससे पहले अपन लोग नॉर्मल डायमंड आर्मर को ट्राई करेंगे कि या कि तुम लोग सही कह भी रहे हो या फिर ऐसे ही मेरी ले रहे हो। या कंफर्मेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी गाइस, कंफर्मेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, बिल्कुल। एंड उससे पहले अपने बैड को डिफेंड करना इज आल्सो वेरी वेरी नेसेसरी है ना, क्योंकि पता चला भैया मेरे इस सारे काम धाम के बीच में ये टूट गया। हाँ वो दुखदाई होगा, बहुत बहुत दुखदाई होगा, तो इसलिए मैं इसको जस्ट नॉर्मल ही प्रोटेक्ट कर देता हूँ। वेल इतना तो कोई क्या ही तोड़ पाएगा, मेरे हिसाब से इतनी प्रोटेक्शन बहुत होनी चाहिए राइट। हाँ मैं कुछ ज्यादा ही जेड प्रोटेक्शन दे रहा हूँ अपने बेड को, आई न्यू इट राइट, बट वेल इतना भी ठीक है। एंड अब चलते हैं और जाकर थोड़े बहुत पहले एम्ब्रॉल का जुगाड़ करते हैं, देन आर्मर पहनते हैं। वेल वहां पे ऑलरेडी भसड़ मची हुई है, तो ये या जस्ट जॉइन पार्टी एंड लेट्स पार्टी। एंड रेड वाला बंदा कुछ ज्यादा ही बोहराया पड़ा है भाई। एंड वेल तुम काफी लोग कह भी रहे थे कि भाई तूने अभी तक तेरी जो न्यू स्किन मिली है ना, सॉरी न्यू साउंड सॉर्ड इफेक्ट मिला है वो तूने ट्राई नहीं किया। एंड वेल बैड वॉर्स के प्लेयर कहां से उठ उठ के आ गए, माइनक्राफ्ट वाले एक्चुअली है ना, क्योंकि माइनक्राफ्ट में ही एक्स पावरफुल होती है। या ब्रदर कहां जा रहा है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा ब्रदर, तेरा पीछा मैं नरक में भी नहीं छोड़ूंगा। ओए वो क्या था ये? था क्या ये भाई? अभी अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि वहां पर एक बंदा बैड तोड़, मतलब वो ब्रिज तोड़ रहा था उनका खुद का, एंड मेरे को वो बंदा लिटरली नहीं दिखा, मैं भगता ही गया सीधा एंड खाई में गिर गया। या मतलब हाँ सही कह रहा हूं, मेरे को नहीं दिखा भैया वो छोरा। ओह ग्रेट, नेवर माइंड, ठीक है। या नेवर माइंड, ओके नेवर माइंड, अपन पहले आर्मर ही कर लेते हैं, पहले डायमंड आर्मर देन फाइट, ओके? Two very boring minutes later. Alright, तो मतलब अपने पास इतने एमरल हो चुके हैं कि अपन आराम से अपने लिए पूरा डायमंड आर्मर बाय कर सकते हैं राइट। तो मैं एक्चुअली वही कर लेता हूँ, पहले डायमंड आर्मर बाय कर लेते हैं, देन इसको ट्राई करते हैं कि भैया ये सही है या नहीं राइट, कि इस पे मतलब वर्क नहीं करता, मतलब पता चला किसी ने आकर मेरी खाल खींच दी या वो मेरे को। वेल यहाँ क्या चल रहा है बे? अबे मेरा छोरा बैड बॉय का है, तू उसको ऐसे नहीं मार सकता। यप
तूने समझा क्या है बे? मेरा लौंडा अकेला है के ऐसे ही मार लेगा उसको, पता नहीं क्या चाह रहा था अपनी जिंदगी से। ओके बाप और ब्लू टीम है जिनका बैट टूट चुका है, पता नहीं किसने तोड़ा, आई डोंट नो। एंड ओके मुझे पता चल चुका है उसका बैट किसने तोड़ा। यप बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़े से ब्लॉक्स ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर बिल्कुल ये बनाना पड़ेगा। देन यहाँ से मैं एक मतलब कुछ ले लेता हूँ ताकि मैं गिरूँ ना। या बिल्कुल तुम लोगों को तो पता ही है राइट कि मैं कितना गिरा हुआ प्लेयर हूँ, है ना? हाँ यस बहुत गिरा हुआ प्लेयर हूँ मैं बिल्कुल। ये क्या चाह रहा है जिंदगी के साथ? व्हाट वेल आई गेस ये छोरा मुझे खींचने की ट्राई कर रहा है राइट। एंड वो छोरा अपनी जिंदगी के साथ परेशान है बे। मार ब्रदर मार, आई वांट टू डाई। अबे पागल है के? ओह व्हाट द वेल ब्रदर, उम्मीद है कि तू इससे समझ गया होगा कि कभी भी भैया मेरे बीच में बोलने की गलती मत करना, अदरवाइज वो बहुत दुखदाई हो सकता है। यो ब्रदर यो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट, है ना? क्योंकि तूने मुझे नहीं मारा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। यप वेल ब्रदर मैं ये लोंडा के चाह रहा है जिंदगी से। वेल मेरे को एक्चुअली मालूम करना पड़ेगा। एंड वेल ये त्रिकोणमितीय अनुपात में ब्रिज किसने बनाया भाई? वेल मुझे उसका आर्किटेक्ट से मिलना है। ब्रदर आई एम हियर, मार मुझे। अबे मार ले भाई। आई गेस अपने को रेड वालों के पास चलना चाहिए, है ना? क्योंकि वेल मुझे लगता है भैया सिर्फ रेड वाले ही फूंका रहे इस गेम में, बाकी के लोंडे थे ऐसे ही मजे लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। हाँ तो अपने को रेड वालों के पास ही चलना चाहिए, वहीं पे अपने को पता चलेगा अपना आर्मर कैसा है और कैसा नहीं, राइट? यप। हेलो गाइस, तुम्हारे घर पे मेहमान आया है तुम लोगों से मिलने के लिए। मेहमान की खातिर ये किसने वादा हेल वेल मैं तुम लोगों के घर में आ चुका हूँ। गाइस मारो मुझे, आई वांट टू डाई। यो कमीनो मारो मुझे, आई वांट टू डाई, है ना? एंड भैया ये कैसा साउंड इफेक्ट है? नहीं वे बखूबी जिंदा डैमेज मिल रहा है मुझे पूरा। किसने कहा था मेरे को डैमेज नहीं मिलेगा है? किसने कहा था? जिसने भी कहा था माँ कसम कथा जिंदा झूठ कहा था। हाय लोंडे कैसा है? ओह वेल अब तुम लोगों के पास मैं आ ही चुका हूँ तो तुम लोगों का हाथ मही कर देता हूँ, है ना? मतलब यप जिंदगी में सुकून मिल जाएगा थोड़ा सा। एंड ये क्या इमोट है भाई? मतलब मरने के बाद मतलब शहीद होने का इमोट, कैसा इमोट है ये? हाँ मारो मुझे, आई वांट टू डाई। यप ओ नहीं बे, नहीं बे, अबे ये क्या हुआ? नहीं आउच आउ एक्चुअली आउच ओके यप नेवर माइंड, अपन इसका इस्तेमाल ऐसे कर लेंगे। एंड वेल मेरे को सबसे पहले थोड़े बहुत क्या कर रहा है एटोमिक्स। ऑलराइट मैं यहाँ आ जाता हूँ एंड आई गेस यहाँ से अपना वो ग्लाइडर यूज करने में मेरे को कोनो दिक्कत नहीं होने वाली, राइट? ले ले भाई, ले ले, ले लिया। ओके उड़ जा, उड़ जा काले कौवे उड़ना। फर्जी कंपनी का ग्लाइडर दे दिया सालों ने। ओके नहीं ऐसी बात नहीं है, ओरिजिनल कंपनी का है। यप अब वेल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भैया जब ये काम नहीं कर रहा अपना तो क्या अपने को इनसे फाइट वाइट करनी, अपना जो मेन गोल्ड आर्मर है वो बनाना चाहिए या नहीं, राइट? क्योंकि भैया जब अपना नॉर्मल आर्मर ही काम नहीं कर रहा तो गोल्ड आर्मर तो ये एज यूजुअल काम करेगा जैसा नॉर्मल करता है, राइट? या तो मेरे हिसाब से अपने को ये सारे मोह माया त्याग देनी चाहिए। हाँ ओके तो मैं अब जस्ट सिंपली इनका खात्मा कर देता हूँ। एंड एक्चुअली मैं खात्मा कर ही देता हूँ, छोड़ो रे। ठीक है मैं एक्चुअली अपने लिए पावर टूल्स बाय कर लेता हूँ, वाई नॉट? या वाई नॉट, टोटली वाई नॉट। एंड कौन है, किसको मौत आ रही है? अबे क्यों 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 मर रहा है भाई? क्यों, क्या मौत आ रही है तेरे को? प्रॉब्लम क्या थी ब्रदर तेरी जिंदगी के साथ? ओ फ्री का सामान। एंड एक्चुअली मैं यहाँ से डायमंड सोड बाय कर लेता हूँ, वाई नॉट? जब मैं कर सकता हूँ तो मैं अवश्य ही करूँगा। खैर नेवर माइंड, अब चलते हैं इन लोगों के पास और इनका गेम ओवर कर देते हैं। यस रेड वालों ने ही मेरा बैट तोड़ा है तो मैं सिर्फ उन्हीं को तोड़ूंगा।
या ब्लू और ग्रीन से मेरा कोई सीन नहीं है, तो बस रेड वालों का गेम ओवर करके मैं ये गेम एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि भैया इसमें वो कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए था। ये मैं तुम लोगों का परमानेंट जुगाड़ कर देता हूँ गाइस, ताकि अब तुम लोग बाहर ना आ सको। आउट। वेल ये अबे नहीं, माँ कसम बे मैं भूल गया था मेरे ग्लाइडर की लिमिट ओवर हो चुकी है यार। खैर नेवर माइंड, मेरे को जो सिंपली रेड वालों से इंतकाम लेना था, देन मैं वैसे भी एग्जिट करने वाला था, तो या इट डज नॉट मैटर कि अपन पहले मर गए है ना। एंड वेल भैया, मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा अपन और कुछ ट्रैक कर सकते हैं। गॉड आर्मर बनाने से रहे, क्योंकि बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट? जैसा वो काम करता है वैसा ही वो काम करेगा। तो या दैट्स इट फॉर टुडे है ना। उम्मीद है आप सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। एंड मिलते हैं जल्दी और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट। वेल मैंने तुम लोगों को बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, जी हाँ अभी वहीं पे गेम खेल रहा था। और वेल ये देखो मेरे जीते हुए पैसे मेरे अकाउंट में आ भी गए। तो वेल तुम लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जाकर इससे काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हो।